टू वेलकम टू माय चैनल एसेप इंग्लिश बाय आरएन। बच्चों आपको हमने बताया गेट का यूज, पर गेट का यूज कैसे बताया है उसका सेंटेंस के ट्रांसलेशन के रूप में, कि यदि आपका ट्रांसलेशन आता है किस रूप में, वाता है, वाती है, आते हैं, आते, यानी कि यहाँ पे गेट का यूज पॉजिटिव वर्ब के रूप में किया जाता है। बट इसके बहुत सारे यूजेस हैं, इसके बहुत सारे यूजेस हैं। जनरली आजकल हम इन्हीं के यूजेस को पढ़ते हैं और स्पोकन इंग्लिश में भी इनका यूज करते हैं, उसी यूज को हम यहाँ बताने वाले हैं। वो चलते हैं, हम स्टार्ट करते हैं अब, जिसका आप कई प्रकार से यूज देखेंगे। तो स्टूडेंट्स देखेंगे हम यूज ऑफ गेट, जो वर्ब है हमारी, इनके किस किस रूप में यूजेस किए जाते हैं। तो सबसे पहले आप ध्यान देंगे कि सबसे पहले हम इनका यूज करते हैं इन्फिनिटिव यानी बेस फॉर्म जो होता है, टू गेट फॉर्म के रूप में करेंगे यूज, इसको इन्फिनिटिव अथवा बेस फॉर्म कहा जाता है। नेक्स्ट है हमारा प्रेजेंट टेंस, जिसमें फर्स्ट फॉर्म वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगता है, क्योंकि ये प्रेजेंट टेंस है तो प्रेजेंट टेंस में गेट फर्स्ट फॉर्म हो गया है। इसका फिफ्थ फॉर्म गेट्स अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट किया जाता है, तो यहाँ पे गेट अथवा हम गेट्स का यूज करेंगे। नेक्स्ट है पास्ट टेंस के रूप में हम जो करते हैं, उसमें पास्ट टेंस में गेट का सेकंड फॉर्म आता है, सेकंड फॉर्म गॉट हो जाता है, उसका यूज किया जाता है। फिर पास्ट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल यानी क्रिया का मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म, थर्ड फॉर्म के रूप में यूजेस होता है, तो इनमें से हम गॉट अथवा गॉटन का यूज करते हैं। नेक्स्ट है प्रेजेंट पार्टिसिपल और जेरंड, जेरंड होता है प्रेजेंट पार्टिसिपल, जिसमें गेट का थर्ड, सॉरी गेट का फोर्थ फॉर्म यूज किया जाता है गेटिंग। तो ये चीज देखेंगे कि इस गेट के, यानी कि जैसा कि आप जानते हैं कि वर्ब के फाइव पार्ट होते हैं, फाइव उसके फॉर्म होते हैं और पांचों फॉर्म यहाँ पर यूज गेट के किए जाते हैं, तो उन यूजेस को कहाँ कहाँ किस रूप में करते हैं वो चीज हम बता रहे हैं। अब चलते हैं गेट का यूज कैसे किस रूप में होता है, तो वो स्टार्ट करते हैं। गेट का यूज एज अ मेन वर्ब के रूप में किया जाता है, मेन वर्ब के रूप में भी किया जाता है, और जहां पे गेट मेन वर्ब का काम करेगी उसके रूप में किया जाएगा। गेट का यूज हमारा एज अ पॉजिटिव वर्ब के रूप में किया जाता है, जैसा कि हमने ट्रांसलेशन में बताया है वाता वाती, यानी कि वहां पे गेट जहां यूज किया जाएगा तो वहां पे जो सेकंड हमारी वर्ब आएगी वह किसी थर्ड पर्सन के द्वारा कार्य करवाया जाता है, कोई थर्ड पर्सन होता है उससे कार्य करवाया जाता है। जैसे हमने बताया था मेरी माँ मुझसे खाना बनवाती हैं, ऐसे सेंटेंसेस यदि आते हैं वहां पे थर्ड पर्सन से कार्य करवाया जाता है, ना कि सब्जेक्ट स्वयं करता है। तो ऐसे सेंटेंसेस में यूज किए जाने वाला वर्ब यानी गेट जो होता है हमारा, वो पॉजिटिव वर्ब के रूप में आता है। हमने बताया भी है लास्ट वीडियो में कि पॉजिटिव वर्ब हमारे पांच हैं, वो लास्ट वीडियो देख लेंगे आप। नेक्स्ट है एज अ फ्राइजल के रूप में, अब गेट का यूज फ्राइजल के रूप में भी किया जाता है। तो ये सारे चीजें, ये जो आपके हम सारे यूजेस यहाँ लेके आए हुए हैं, इन्हीं का एक एक करके, अभी हमारा ये पार्ट टू चल रहा है गेट के यूज का, पार्ट टू एक ट्रांसलेशन के रूप में बताया, अब इनके जानकारी दे रहे हैं कि किस किस रूप में इनका यूज किया जाता है। अब चलते हैं हम इनके यूज को बताने, लेकिन ये बताने से पहले यदि आप हमारे वीडियो में, हमारे चैनल में नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे चैनल को और बेल आइकन को जरूर हिट कर दीजिए, ताकि हमारा जैसे ही न्यू नोटिफिकेशन आए आप तक पहुंच जाए और आप हर एक वीडियो का लाभ आराम से उठाते रहें। तो देखिए अब आप एज अ मेन वर्ब गेट का यूज हम करेंगे मेन वर्ब के रूप में, कैसे किया जाता है, तो सबसे पहले किस सेंस में किया जाता है उस सेंस को देखेंगे। तो देखेंगे टू ऑब्टेन ऑब्लिक अथवा रिसीव, यानी जिसका अर्थ होता है पाना या प्राप्त करना, जहाँ पे ऐसा सेंस आए कि पाने का भाव उत्पन्न हो रहा हो अथवा प्राप्त करने का, तो उसमें हम गेट का यूज किसके स्थान पे करते हैं, ऑब्टेन हो अथवा रिसीव हो, तिनके स्थान पे हम क्या किन का यूज करते हैं गेट का। तो जैसे देखेंगे कल मुझे एक पेन मिला, कल मुझे एक पेन मिला, आई रिसीव्ड अ पेन स्टडे,
इसका जनरली ट्रांसलेशन यदि आप करेंगे, जनरली बोलचाल की भाषा में यूज करेंगे या ग्रामेटिकल करेंगे, फिर भी क्या होगा इसका, आई रिसीव्ड अ पेन स्टडी। बट यदि आपके एग्जाम में यदि आता है कि आपको यूज़ करना है गेट का, तो कैसे करेंगे, आपको जानकारी होनी चाहिए कि ऑब्टेन और रिसीव किस स्थान पे हम गेट का यूज करेंगे। तो बहुत ही सिंपल तरीके से आप क्या कर देंगे, आई गेट अ पेन बाय ए स्टडी। क्या किया गया इसमें ध्यान देंगे, इसमें सिर्फ आपको ध्यान देना है को रिसीव्ड को क्या किया गया है, रिमूव किया गया, और क्या यूज किया गया है, गेट यूज किया गया है। किस सेंस में आपको सेंस ये मिल रहा है, प्राप्त करना या पाना। ठीक, नेक्स्ट है हमारा, मुझे भारत में रहने की अनुमति मिल गई, रहने की अनुमति मिल गई। तो इसमें यदि देखेंगे, आई हैव ऑब्टेन परमिशन टू लिव इन इंडिया, लिव इन इंडिया। तो अब आपको क्या करना है, यहाँ पे ऑब्टेन को क्या कर देना है, रिमूव कर देना है, और यूज किसका कर देना है आपको, यहाँ पे आई हैव गॉट, चूंकि ये यहाँ पे ऑब्टेंड थर्ड फॉर्म में है, थर्ड फॉर्म हम ऑब्टेंड को हटा रहे हैं, इसलिए यहाँ पे गॉट का यूज किया जाएगा। तो यहाँ पे हमने ऑब्टेंड को हटाया और गॉट का यूज किया, तो यहाँ पे परमिशन टू लिव इन इंडिया, ध्यान आपको क्या देना है, यहाँ पे आपने रिसीव्ड जो है उसको हटाया, तो यहाँ पे हमने क्या यूज किया, गॉट। यहाँ भी ध्यान देंगे आपको करना क्या है कि यहाँ रिसीव्ड भी थर्ड फॉर्म में है, रिसीव्ड भी थर्ड फॉर्म में है, इसलिए हमने यहाँ पे गॉट का यूज किया, आई गॉट अ पेन स्टडी। ठीक, और यहाँ पे यदि मान लीजिए कि यहाँ पे सिर्फ इतना होता, आई रिसीव अ पेन स्टडी ना होता, स्टडी ना होता, आई रिसीव अ पेन, तब वहाँ पे हम गेट का यूज करते, यहाँ पे हमने गॉट का किया। नेक्स्ट है, इसमें ऑब्टेंड है, इसलिए यहाँ भी गॉट का यूज किया गया, पर ध्यान आपको क्या देना है कि ऑब्टेंड और रिसीव के सेंस के लिए हम गेट या गॉट का यूज उसके टेंस के अकॉर्डिंग ही करते हैं। नेक्स्ट है हमारा, आप किस सेंस में चलते हैं, यदि यदि ऐसा सेंस आए टू रीच और अराइव, पहुंचना का सेंस आए, हिंदी में पहुंचना का सेंस आए, तो जिनमें पहुंचना है, मुझे स्कूल इतने बजे तक जाना है, पहुंचना है, ऐसी चीज़ें आएँ, वहाँ पे हम अराइव और रीच के स्थान पे गेट का यूज करते हैं। देखेंगे आप स्कूल कब पहुंचोगे, जनरली बेस पे इसका ट्रांसलेशन करेंगे तो हो जाएगा व्हेन विल यू रीच स्कूल। ठीक, आप स्कूल कब पहुंचोगे, व्हेन विल यू रीच स्कूल। ठीक, अब इसी के इसी में हमको इसी सेंटेंसेस में किसका यूज करना है, गेट का यूज करना है। तो कैसे करेंगे हम, यहां पे कैसे यूज करना है, तो देख लेंगे, व्हेन विल यू गेट स्कूल, क्या किया हमने, हमने यहां पे ये जो रीच है हमारा, रीच को क्या किया, रिमूव किया और गेट का यूज किया। ठीक, तो आपको समझ में आ गया कि रीच को हटाएंगे और गेट का यूज करेंगे, किस सेंस में, पहुंचना के सेंस में। नेक्स्ट है इसी से हमारा, मैं 11 बजे तक स्कूल पहुंचूंगी, अब क्वेश्चन किया जा रहा है तो आंसर तो देना ही पड़ेगा, तो इसमें क्या हो जाएगा कि मैं 11 बजे तक स्कूल पहुंचूंगी, तो इसका जनरली ट्रांसलेशन क्या होता है, आई विल रीच स्कूल बाय 10 o'clock, आई विल रीच स्कूल बाय 10 o'clock। तो यहाँ पे हो जाएगा, अब इसके हम गेट का यूज जो करेंगे, आई विल गेट टू स्कूल बाय 10 o'clock। ठीक, अब एक चीज़ देखेंगे, एक चीज़ आप ध्यान देंगे कि यहाँ पे बाय का यूज किया गया है, यहाँ पे किसका यूज किया गया है, बाय का। तो जहाँ टाइम को बताने के लिए, जहाँ पे टाइम बताना होता है और किसी स्थान को इंडिकेट किया जाता है, वहाँ पे तक के सेंस के लिए बाय का यूज किया जाता है। और एक चीज़ और ध्यान देंगे कि यहाँ गेट टू का यूज किया गया है, यहाँ पे गेट टू का यूज किया गया है। तो जब किसी स्थान से दूसरे स्थान पे रिप्लेस होता है, जाना होता है एक स्थान से दूसरे, वहाँ गेट के साथ में टू का यूज किया जाता
है। तो इसके कुछ यूजेज और हैं, वो अभी हम चलते वो बताते हैं। नेक्स्ट देखेंगे थर्ड रूप इसका आ रहा है टू बाय परचेस के रूप में, यानी कि जहाँ खरीदने का सेंस हो, बाय अथवा परचेस, जहाँ जिस सेंटेंस में बाय अथवा परचेस हो वहाँ हम इसको रिमूव करके गेट का यूज करते हैं। सेंस क्या होना चाहिए उसका? खरीदना। तो खरीदना जानते हैं बाय और परचेस ही किया जाता है। जैसे आप देखेंगे कि मैं कल कार खरीदूंगी, एक कार खरीदूंगी, मैं कल एक कार खरीदूंगी, तो इसका हो जाएगा आई विल बाय अ कार टुमारो। ठीक, ऐसा सेंटेंस आता है हमारा, आई विल बाय अ कार टुमारो। अब इसमें हमको क्या करना है? गेट का यूज करना है। तो जब गेट का यूज करेंगे, है ना, यहाँ पे दे दिया यूज ऑफ गेट। ठीक, यूज ऑफ गेट कर दिया। तो अब हम जान रहे हैं कि टू बाय और परचेस के सेंस में, यहाँ जहाँ खरीदना का सेंस हो रहा है वहाँ पे हम गेट का यूज करते हैं। तो इसमें हो जाएगा, देखेंगे आइल बाय के स्थान पे हम क्या यूज करेंगे? गेट, गेट अ कार टुमारो। वेरी सिंपल, बहुत ही सिंपल है इसका यूज गेट का। यदि आपके दिमाग में चढ़ गया है तो कहीं कोई मिस करने वाला नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं इसी सेंस में, मैंने अभी अभी एक कोट खरीदी है, मैंने अभी अभी एक कोट खरीदी है। तो देखेंगे आई हैव जस्ट बॉट और परचेस्ड अ कोट। ठीक, अभी अभी खरीदी है, तो क्या करना है इसमें? क्रिया का इसमें देख रहे हैं, मेन वर्ब का कौन सा फॉर्म लगा? बॉट भी लगा अथवा परचेस, दोनों यूजेस किए जाते हैं। तो यहाँ पे ये लगा है। ठीक, दोनों इसलिए हमने दे दिया है कि आप यहाँ पे जो ऑब्लिक दिया है और के रूप में अथवा के रूप में है, आपको समझ में आ जाए। तो अब चलते हैं हम इसके यूज़ क्या करना है, हमको गेट का यूज करना है। आता गेट का यूज़ है, लेकिन सेंटेंस के सेंस के अकॉर्डिंग हम गेट, गॉट, गॉट्स, गेटिंग का यूज करते हैं। इस चीज़ को आप विशेष रूप से ध्यान देंगे। तो इसका आंसर हो जाएगा आई हैव जस्ट, अब इन दोनों को हटाना है, दोनों का एक ही का यूज माना जाएगा, जस्ट गॉट अ कोट। ठीक, अब ये समझ में आ गया आपको कि यहाँ पे बाय फर्स्ट फॉर्म में इसलिए गेट का यूज, यहाँ पे बॉट थर्ड फॉर्म में और परचेस थर्ड फॉर्म में है, सेकंड फॉर्म माना जाए या थर्ड फॉर्म, हैव लगा इसलिए थर्ड फॉर्म। तो यहाँ पे गॉट का यूज किया गया, यहाँ पे हम गॉटन का भी यूज कर सकते हैं। तो अब ये चीज़ आपको समझ में आ गया होगा। अभी इसके बहुत सारे यूजेस हैं, किसके किसके रूप में यूज किया जाता है, किस फॉर्म में यूज किया जाता है, नेक्स्ट वीडियो में बताया जाएगा। तो वीडियो से बने रहिए आप और देखते रहिए, इनके बहुत सारे यूजेस हैं जो आपके लिए बहुत ही उपयोगी होने वाले हैं। ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच।